चलिए आगे बढ़ते हैं, बात एक और स्पेशल रिपोर्ट की। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रही है। ट्रेंड करे भी क्यों ना, काम ही उन्होंने कुछ ऐसा किया है। पहले वो बंगला, गाड़ी, ऑफिस और भौकाल के लिए वायरल रही, लेकिन अब उन पर फर्जीवाड़े के आरोप भी लग रहे हैं। आरोप है कि फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर पूजा खेड़कर ने आईएएस का पोस्ट हासिल किया है। यही वजह है कि वो मैडम कलेक्टर से कॉन्ट्रोवर्सी कलेक्टर बन गई है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। एक लेडी आईएएस कैसे बनी बिग कंट्रोवर्सी क्वीन, एक ट्रेनी आईएएस पर इतना हंगामा क्यों है? ट्रेनी आईएएस की कितनी लंबी चौड़ी डिमांड लिस्ट, चैम्बर, ऑडी, हूटर, एक ट्रेनी आईएएस ऐसी भी। नखरेबाज लेडी ऑफिसर का फर्जी डॉक्यूमेंट विवाद। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, देश की सबसे बड़ी सेवा, एक ऐसी नौकरी जो नौकर शाह बनाती है। उसी नौकरी को पाकर इस लेडी ऑफिसर के नखरे चरम पर पहुंच गए। ऐसी ऐसी डिमांड की चर्चा में आ गई। आईएएस बनने के लिए ऐसे ऐसे काम किए जिसने कंट्रोवर्सी कलेक्टर बना दिया। इनका नाम है पूजा खेड़कर, जो ट्रेनी आईएएस हैं। यूपीएससी में रैंक आई 821, मगर आईएएस बन गई। पिता की संपत्ति 40 करोड़, लेकिन बेटी नॉन क्रीमी लेयर में आती है। पूजा ट्रेनी आईएएस हैं, मगर सीनियर की ऑफिस का डिमांड लिया भी। ऑडी कार पर नीली लाल बत्ती लगवाई, इन्हें वीआईपी कल्चर पसंद है। I'm not authorized to speak anything right now, so I cannot comment on this. Ma'am, are you join karna? Oh, I'm very happy to join in Vashim district, and okay. I'm looking forward to working in it. महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। पूजा का नाम सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है। पहले वो बतौर ट्रेनी अपने हाई फाई डिमांड की वजह से सुर्खियों में आई थी, लेकिन अब उन पर फर्जी वाड़ा करने के आरोप लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि आईएएस अधिकारी बनने के लिए पूजा खेड़कर ने फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया। इस खुलासे के बाद ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को लेकर विवाद बढ़ गया है। विवाद बढ़ा तो पुणे में बतौर ट्रेनी आईएएस अधिकारी तैनात पूजा खेड़कर को बीच ट्रेनिंग में ही महाराष्ट्र के वाशिम जिले में ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर की वजह बताई जा रही है इस लेडी आईएएस की अजब गजब डिमांड। ट्रेनी अधिकारी पूजा खेड़कर उस वक्त विवादों में आई जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा गया। यह पत्र दरअसल पूजा की शिकायत को लेकर दायर किया गया था। इस पत्र में जानकारी दी गई कि कैसे पूजा खेड़कर, जो कि अपनी ट्रेनी की नियुक्ति से पहले ही काफ़ी ज़्यादा जो डिमांड्स हैं उनके द्वारा वो की जा रही थी, जो सहूलियतें हैं जो कि एक आईएएस अधिकारी को मिलती हैं, वो सब कुछ प्राप्त करने के प्रयासों में जुटी हुई थी। दरअसल उनकी अपॉइंटमेंट जून महीने में होनी थी बतौर ट्रेनी अधिकारी आईएएस। हालांकि उन्होंने जो पुणे के विभिन्न अधिकारी हैं उन्हें व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से संदेश भेजने शुरू किए, और इन संदेश में उनके द्वारा जो प्राइवेट व्हीकल है, जो प्राइवेट गाड़ी है, उसकी डिमांड की गई। ये लग्जरी कार ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की बताई जा रही है। इस प्राइवेट कार पर नीली लाल बत्ती लगी हुई है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि आरटीओ ऑफिस में अपना प्रभाव दिखाकर पूजा पर वीआईपी नंबर लेने का भी आरोप है। दावा किया जा रहा है कि पूजा खेड़कर ने लाल नीली बत्ती और वीआईपी नंबर प्लेट वाली अपनी निजी ऑडी कार का इस्तेमाल करके विवाद खड़ा कर दिया था। पूजा ने ऐसी सुविधाओं की भी डिमांड की थी जो आईएएस में प्रोबेशनरी अधिकारियों को नहीं मिलती। पूजा पर ऐसे और क्या क्या आरोप लगे हैं जिसकी वजह से ट्रेनिंग के दौरान ही उनका तबादला कर दिया गया, इसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आईएएस पूजा पर पहला आरोप, नौकरी के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल। दूसरा आरोप, आईएएस बनने के लिए खुद को दिव्यांग बताया। तीसरा आरोप,
एम्स के मेडिकल टेस्ट में शामिल नहीं हुई। चौथा आरोप, दिव्यांग होने का सत्यापन तक नहीं कराया। पांचवा आरोप, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट लगाकर नियुक्ति पत्र हासिल। छठा आरोप, पुणे में ट्रेनी आईएएस के तौर पर कई मांग रखी। सातवां आरोप, अलग कैबिन, कार, वाटर और चपरासी मांगा, जबकि प्रोबेशनरी पीरियड में सुविधाओं के हकदार नहीं। आठवां आरोप, ऑफिस आने के लिए लाल नीली बत्ती लगी कार का इस्तेमाल। नौवां आरोप, वीआईपी नंबर प्लेट वाली निजी कार से ऑफिस गई। दसवां आरोप, निजी कार पर महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड लगाया। पूजा पर आरोप है कि उन्होंने निजी कार में सायरन लगाने के अलावा वीआईपी नंबर प्लेट भी लगाई थी, महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर भी लगाया। साथ ही पूजा पर पुणे के एडिशनल कलेक्टर अजय मोरे के ऑफिस इस्तेमाल करने की खबरें सामने आई थीं। बताया गया था कि पूजा ने मोरे के ऑफिस से उनकी नेम प्लेट और फर्नीचर बाहर कर दिया था और लेटर हेड्स की डिमांड की थी। बतौर ट्रेनी आईएएस अधिकारी उल्लंघन सामने आने के बाद पुणे कलेक्टर सुहास दिवासे ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा, जिसके बाद उनका ट्रांसफर पुणे से वाशिम कर दिया गया। कि ऐसी कोई भी आईएएस के ऊपर अगर आपत्ति होगी तो उसके ऊपर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी ना। कोई भी लॉ के बड़ा नहीं है, कायदे से बड़ा कोई नहीं है, और जिसने कुछ भी गलत किया रहेगा, रूल के बाहर जाके काम किया रहेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी।